सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टूडे में। आज हम डिस्कस करेंगे मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट टाइम पर 149 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर नीचे में एक बॉटम बन चुका है 138 रुपए पर। 138 रुपए पर इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक बॉटम बनाएगा और निचले लेवल पर इसी पॉइंट से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। क्योंकि स्टॉक में देखें तो हमने 50 डेज का मूविंग एवरेज लगाएगा। आप देख सकते हैं जो स्टॉक का ट्रेंड था वो पहले पॉजिटिव साइड में था, जहां पर स्टॉक हाई बनाता है 231 रुपए का। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि स्टॉक में जो 50 डेज का मूविंग एवरेज प्राइस है वो 198 रुपए है और स्टॉक उस प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 139 रुपए का स्टॉप लॉस रख के ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 161 रुपए। अगर स्टॉक 161 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग बनाने में कामयाब होता है, जैसा कि पहले भी देखने को मिला था कि स्टॉक के अंदर 161 रुपए के पास में एक सपोर्ट लेवल था, पर जब स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक डाउन किया था तो वहां पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अगर स्टॉक ऊपर में 161 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग बनाने में कामयाब होता है तो नेक्स्ट टारगेट 190 रुपए के बनते हुए नजर आएंगे। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं, फिर इस खरीदारी 161 रुपए के बाद करें, क्योंकि वहां पर एक सपोर्ट लेवल है स्टॉक के अंदर और वहां से स्टॉक के अंदर एक तेजी भी देखने को मिल सकती है।